हेलो गाइस, आज एक महत्वपूर्ण या स्पेशल टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। फास्टैग, अक्सर आपने यह नाम तो अवश्य सुना होगा। जब कभी भी आप हाईवेज के ऊपर ट्रेवल करते हैं तो आप व्हीकल के ऊपर शीशे के सामने की तरफ एक विशेष प्रकार का स्टिकर लगा देखा होगा, जिसे हम फास्टैग के नाम से जानते हैं। आखिर वो फास्टैग काम कैसे करता है, फास्टैग होता क्या है? अब जितनी प्रकार की अलग अलग कॉमर्शियल या पर्सनल व्हीकल होंगे, उनको सबको अलग अलग प्रकार का स्टिकर या अलग प्रकार का अलग रंग का स्टिकर प्रोवाइड करवाया जाता है। वो कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही जो सिस्टम फास्टैग में जो यूज होता है या टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो किस प्रकार उस फास्टैग से काम करती है, और साथ ही आज अपन फास्टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आज शेयर करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने व्हीकल या पर्सनल व्हीकल या जब कभी भी हाईवेज पे आप ट्रेवल करेंगे तो आप फास्टैग के स्टिकर पर एक बार जरूर नजर दौड़ाएंगे और आप पता करने की कोशिश करेंगे आखिर ये स्टिकर इस व्हीकल पर किस रंग का है और क्यों है। इस महत्वपूर्ण चीज के साथ, विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर फास्टैग 16 फरवरी 2021 को संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था। जितने भी देश के नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, उन सब पे फास्टैग एज ए कंपलसरी के रूप में इसको लागू किया गया था। जब लागू किया गया था उस समय 566 टोल प्लाजा में से 180 टोल प्लाजा पर इसको लागू किया गया था। आज फास्टैग के माध्यम से केवल एक दिन का जो कलेक्शन है वो 100 करोड़ के आसपास है। 100 करोड़ पर डे का कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से गवर्नमेंट को प्राप्त होता है, और जो फास्टैग से कलेक्शन होता है वो NETC के माध्यम से होता है। NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है, जो कि आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करता है, और इसका काम है इंडिया या देश में जितना भी टोल कलेक्शन होता है वो इसी के माध्यम से गवर्नमेंट करती है। अब आपके मन में एक प्रश्न तो उठता होगा कि फास्टैग क्या है। फास्टैग इंडिया में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का सिस्टम है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो टोल का पेमेंट होता है वो डायरेक्ट आपके प्रीपेड से होता है या सेविंग अकाउंट से भी हो सकता है, या सीधे टोल मालिकों के द्वारा भी गवर्नमेंट इसको कलेक्ट कर सकती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि फास्टैग कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कितने प्रकार के कलर जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका फास्टैग दो कैटेगरी के फास्टैग होते हैं, जिसमें आपका एक एम टाइप का होता है और एक एन टाइप का होता है। एम टाइप का जो फास्टैग होता है, इसमें आपका निजी वाहन अर्थात पर्सनल व्हीकल आता है, जो कि वॉयलेट कलर का उसको फास्टैग जारी किया जाता है। आपकी जो भी पर्सनल व्हीकल है उसमें आप अपने फास्टैग पे ध्यान करना है कि आपके फास्टैग का जो कलर है वो वॉयलेट कलर का फास्टैग होगा, और वो एक स्पेशल अमाउंट डिडक्ट करने का जरिया होता है। इसमें एक स्कैनर कोड लगा हुआ होता है, उसके माध्यम से आपकी अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है। फिर आता है एन टाइप का, या एन टाइप की कैटेगरी आती है फास्टैग में, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल के लिए आती है, और कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर का सबसे पहला जो फास्टैग जारी किया जाता है वो होता है ऑरेंज कलर का फास्टैग। फिर नंबर 3 आता है, यदि आपकी डबल एक्सल वाली गाड़ी है, अर्थात यदि आप मोटा मोटा बात करें तो 4 व्हीकल जिसके पास है, चाहे वो आपकी अल्टो हो, बोलेरो हो, या फिर इटिगो हो, या कोई भी गाड़ी हो जो 2 एक्सल वाली हो, तो और वो कॉमर्शियल यूज के लिए है, तो आपकी गाड़ी के ऊपर ग्रीन कलर का फास्टैग लगाया जाएगा। ठीक है, 2 एक्सल वाली गाड़ी है तो आपका, और वो कॉमर्शियल यूज है, तो आपकी गाड़ी पे ग्रीन कलर का फास्टैग लगाया जाता है। वो एक स्पेसिफिक कोड के माध्यम से आपकी अमाउंट को डिडक्ट करता है। और दोस्तों, यदि आपकी गाड़ी 3 एक्सल की है, अर्थात आपका
छह चक्का या छह चक्के से ज्यादा है तो आपका येलो कलर का फास्टैग इश्यू किया जाता है। और फिर इसके बाद आता है कि यदि आपकी एक्सल यानी आपका व्हीकल 4XL है, 5XL है और 6XL है तो आपका फास्टैग का कलर पिंक कलर का होगा। और यदि आपकी गाड़ी 7XL है यानी कि बहुत बड़ी है, फुल ट्रक है, मतलब कम से कम 16 चक्का, 18 चक्का, 20 चक्का, ऐसे ही आपका यदि ट्रक या व्हीकल है या बड़ा व्हीकल है तो आपको स्काई ब्लू कलर का फास्टैग जारी किया जाता है। वहीं पे यदि आप कोई हैवी मशीनरी या आपका लोडर हो गया या फिर आपकी जैसी भी मशीन हो गई या फिर अर्थ मूविंग वाली मशीनें हो गई तो उसमें आपको ब्लैक कलर का फास्टैग जारी किया जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि फास्टैग दो प्रकार के होते हैं, एम टाइप और एक एन टाइप। एक प्राइवेट होता है, एक कॉमर्शियल होता है। प्राइवेट वाले में एक प्रकार का कलर जारी किया जाता है जो कि वॉयलेट कलर है, और वहीं एन टाइप वाले में 6 प्रकार के कलर जारी किए जाते हैं जिसमें आपका ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, स्काई हो गया और ब्लैक कलर का आपका फास्टैग हो गया। अब अपन फास्टैग की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। फास्टैग टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है दोस्तों? अक्सर आप लोग कभी मेट्रो में ट्रेवल किए हो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोई भी मेट्रो जिसमें आप कभी ट्रेवल किए हो तो आपको मेट्रो के द्वारा एक स्मार्ट कार्ड इश्यू किया जाता है। और यदि आप रेगुलर कस्टमर नहीं है तो आपको एक कॉइन जारी किया जाता है जो कि उसमें डिस्टेंस दिया जाता है और उसमें अमाउंट एड करके फिर आपको वो इश्यू किया जाता है। तो आप जब कभी भी स्मार्ट कार्ड या कॉइन आप यूज करते हैं तो आपका मेट्रो का फाटक उसको लगाने के बाद खुल जाता है और फिर आप आराम से अंदर एंटर करके जहां तक जाना चाहते हो वो आप आराम से जा पाते हो। फिर जैसे ही वो स्मार्ट कार्ड वापस यूज करते हो तो आपका स्मार्ट कार्ड से कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट होती है और डिडक्ट होने के बाद वो फाटक खुल जाता है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस या फास्टैग के अंदर होता है। फास्टैग के अंदर क्या होता है, RFID टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और वही टेक्नोलॉजी आपकी मेट्रो में यूज की जाती है। RFID का मीनिंग होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इसमें दो डिवाइस लगे हुए होते हैं जिसमें आपका एक डिवाइस होता है पैसिव और एक डिवाइस होता है एक्टिव। पैसिव के अंदर क्या होता है कि जो जैसे आपकी सिम होती है, विदाउट मोबाइल आपका सिम कोई काम का नहीं है। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है और सिम है तो आपका सिम यूजलेस है। वैसे ही आपकी गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वो पैसिव श्रेणी का होता है, पैसिव कैटेगरी का होता है, उसमें बैटरी नहीं होती है। और सेम सिम के अंदर भी आपकी बैटरी नहीं होती है। जब कभी भी आप सिम यूज करते हैं तो मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं, ठीक उसी ही प्रकार आपका फास्टैग यूज होता है। और दूसरा जो कैटेगरी है वो एक्टिव की है जिसके अंदर बैटरी होती है, मतलब आपका फोन। सेम उसी ही प्रकार से आपका एक्टिव डिवाइस काम करता है जैसे आपका फोन काम करता है। फोन के अंदर बैटरी होती है, उसी प्रकार एक्टिव डिवाइस के अंदर भी बैटरी होती है जो कि टोल प्लाजा के ऊपर लगी हुई होती है। जब कभी भी आप अपनी गाड़ी टोल प्लाजा से क्रॉस करते हैं तो वो डिवाइस और आपका फास्टैग स्टिकर दोनों आपस में रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से टच में आते हैं और आपकी अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है। और डिडक्ट होने के बाद आपका बैरियर या आपका सामने का जो गेट है वो खुल जाता है। तो दोस्तों इसके माध्यम से आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों फास्टैग में बैलेंस कितना रख सकते हैं आप। जैसे आपका सिम कार्ड रिचार्ज होता था उसी ही प्रकार आपका फास्टैग भी रिचार्ज होता है। जिस प्रकार आपका मेट्रो का कार्ड रिचार्ज होता है उसी ही प्रकार आपका फास्टैग का कार्ड भी रिचार्ज होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम आपके फास्टैग में कितने रुपए का बैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहले मैक्सिमम जो बैलेंस होता है, यदि आप फुल KYC होल्डर है तो आप अपने फास्टैग के अंदर 1 लाख रुपए तक का रिचार्ज करवा सकते हैं।
और वहीं यदि आप लिमिटेड केवाईसी वाले होल्डर है तो आप अपने फास्टैग में केवल 20,000 रुपये का 20,000 अमाउंट का रिचार्ज कर सकते हैं। फिर बात आती है कि मिनिमम बैलेंस कितना रखा जाए। मिनिमम बैलेंस आप ना भी रखो तो भी चलता है, क्योंकि आपका जो अमाउंट डिडक्ट होता है वो आपके खाते से डिडक्ट होता है और वो आपको बैंक को पे करना होता है, आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। यदि आपके फास्टैग में कोई बैलेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पहले इससे नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले आपको कम से कम 200 रुपये का बैलेंस उसमें रखना जरूरी था, लेकिन ये कंपलसरी कुछ दिनों पहले इसको हटा दिया गया है। अब दूसरी चीज है कि जब आप टोल टैक्स पे एंट्री कर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में करीब करीब 4 से 5 मीटर की दूरी आप होगी दोनों गाड़ियों के बीच में, तो ही आपका फास्टैग सिस्टम काम करेगा। यदि एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में गैप कम है तो वो आप आसानी से काम नहीं कर पाएगा, और कर भी गया तो उसमें गवर्नमेंट को लॉस है, क्योंकि एक गाड़ी के साथ दो गाड़ियां निकल जाएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज्यादा नुकसान होता है। और साथ अंतिम जो अपना टॉपिक है कि फास्टैग में पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, पहले फास्टैग से पहले आपने ध्यान दिया होगा कि टोल टैक्स पे 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती, जिसकी वजह से आपका सबसे पहला टाइम कंजप्शन इसमें बच जाता है, क्योंकि जैसे ही फास्टैग अपन यूज करते हैं तो आपका टाइम बचता है और साथ में फ्यूल बचता है, फ्यूल के साथ पोल्यूशन भी बचता है। कैसे? जब आपको टोल टैक्स पे लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा तो आपका फ्यूल खर्च नहीं होगा, फ्यूल खर्च नहीं होगा तो आपका पोल्यूशन भी बच जाएगा। तो दोस्तों, फास्टैग का 3 मुख्य रूप से ये रीजन है, और साथ में आपका मनी सेविंग सबसे ज्यादा होता है। वो कैसे? जब आप लाइन में लग के अपनी गाड़ी को ऑन रखते हैं तो आपका फ्यूल खर्च होता है, और फ्यूल खर्च होने की वजह से आपकी मनी का लॉस होता है। तो दोस्तों, इसमें जो फास्टैग है उसमें मनी की सेविंग भी होती है और फ्यूल की भी सेविंग होती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें, आपकी अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे भी आपकी टोल टैक्स पार करेंगे, आपको अमाउंट डिडक्ट होने का एक एसएमएस आएगा, तो आप इसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी कौन से टोल टैक्स से गुजरी है या कहाँ पे है मेरी गाड़ी। और दूसरी बात, इसमें अब करप्शन होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि इसमें मैन पावर कम लगता है, और जहां मैन पावर कम लगता है वहां पे आपका करप्शन होने की संभावना घट जाती है। और साथ ही टोल प्लाजा के जितने भी मालिक हैं, उनको जब कभी आपने सुना होगा कि टोल प्लाजा लूट लिया गया है, तो फास्टैग के बाद ये कंडीशन अब नहीं बनती है, क्योंकि सारा का सारा पेमेंट अब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन खाते में जमा होता है, तो इसमें लूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। फिर आती है आपका नेगेटिव, कि इसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब अपन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही जाती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो या फिर आपका इंटरनेट हो या फिर आपका कोई अदर ऐप हो, तो किसी न किसी रूप में आपका टेक्निकल प्रॉब्लम, मशीनरी प्रॉब्लम, इश्यू आ सकती है। और लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी प्राइवेट पॉलिसी आ सकती है इसमें। प्राइवेट पॉलिसी में क्या होता है कि आपको जो फास्टैग होता है उसको सेम स्कैन करके आपके खातों में से अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है। आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ से आपके फास्टैग के माध्यम से आपके खातों से या फास्टैग की अमाउंट को हैकर्स के द्वारा इसमें डिडक्ट कर लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी फास्टैग के बारे में। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी लगभग लगभग आप कवर कर पाए हैं। आशा करते हैं कि ऐसा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।